हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। बात यह है ब्रोस कि आज का व्लॉग ना काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी व्लॉग सर। इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी सैरी और रफ्तारी किस तरह से डिफरेंट होती है घर में और हॉस्टल में। लेट्स गो। बस जो है ना 4:10 का टाइम हो गया और जो है वो रोज़ा बंद हो रहे हैं तकरीबन कोई 4:40 पे, तो मतलब हमारे पास फिर भी कोई कर कर आके 30 मिनट का मार्जिन है। ये तो यहाँ पे तो घर में कोई इजी सीन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अम्मी हमारी जो है वो कैसी सारी बना रही हैं। ये जी हमारी, ये देखें आप, ये देखें हमारा अंडा जो है वो बन चुका है और उसके साथ साथ मेरे दो पराठे जो हैं, ये मेरे दो पराठे भी जो है यहाँ पे बन चुके हैं और इसका दही भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरे साथ दही भी जो है वो बन चुका है, उसका मेरा अंडा बन चुका है, उसका मेरे पराठे बन चुके हैं। सैरी का खत्म होने में रह गया तकरीबन कोई 9 मिनट और पानी शानी हमने तोड़ने के फेरी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। और अभी जो है ना एक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो कि ब्रश करना, ठीक है, तो वो मैं कल के आया था 5 मिनट तो क्या जाए। तो आई एम डन विद सैरी ब्रदर्स और सैरी बड़ी मज़े की थी, बड़ी सिंपल और स्मूथ होती है, मेरी कोई खासी चीज़ें नहीं होती इसके अंदर, बट स्टिल उतना होना चाहिए उतना ज़रूरत है। और एक मिनट होते बंद हो, इमरान खान का दिल था वैसे, वेरी गुड हुआ। और इसके बाद ये है कि आज संडे है और संडे की जो सैरी है और रफ्तारी मैं घर ही करूँगा और उसके बाद मंडे है, मंडे से क्लासेज हैं, क्लासेज मेरी 5:00 से 6:00 शाम है, उसका अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा कि भाई कैसे स्केड्यूल हमारा जो है इतना मुश्किल है क्योंकि आज से मैं डेली ब्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ भाई। रेड सीट मजाक खत्म, तो अभी जो है वो सैरी होगी, उसके बाद रफ्तारी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हॉस्टल की सैरी रफ्तारी में क्या डिफरेंस है। तो स्टे ट्यून्ड। एप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स लेटर। घर में तो रोज़ा गुजरता है इतनी आसानी से, हम लोग उठे हैं तकरीबन कुछ ज़ोर टाइम नमाज़ पढ़ी है, फिर असर टाइम की नमाज़ पढ़ी है और अभी जो है ना ये देखें अपनी इफ्तारी जो है वो बन के आ चुकी है, एज सिंपल एज आई लाइक। और जनरली अगर मैं आपको बताऊँ ना, इस तरह के पकौड़े, ये जो मेरे घर में पकौड़े बनते हैं ना, इस तरह के मेरी अम्मी के हाथ के पकौड़े के अलावा मुझे कहीं के नहीं पसंद और ऐसे कोई बना नहीं सकता, जेन्युइन बात है। इसके अलावा एक ये एक शेक है मेरा, मिल्क शेक और खजूर है, बस इससे इफ्तारी मैं नहीं करता, बहुत सिंपल बट येट इट्स टू गुड। और अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है, मेरा ख्याल है बस एक आधा मिनट होगा, अभी जानों की बात आए शुरू हो जाएगी और हम लोग अपनी इफ्तारी कर लेंगे। A few moments later. जी हम नज़ारे हो गए हैं ख़त्म और हम आ गए हैं हॉस्टल में, और हॉस्टल में जो सैरी अफ्तारी का सीन होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंट है। और वो इस तरह से कि भाई घर के अंदर तो हर चीज़ पक्की पकाई जो है ना वो आके सामने हाजिर होती है और बंदे ने खाना होता है, रोज़ा रखना होता है, सो जाना होता है, और यहाँ पे जो है ना टोटली सीन डिफरेंट है। यहाँ पे अफ्तारी का टाइम होने में तकरीबन कोई रह गया है घंटे से भी कम रहा है, यहाँ से अभी जाऊँगा और अपने मान सामान खत्म हुआ था, फ्रूट शूट केले शेले वो लेके आने हैं, दूध छूट जब मैं घर से लेके आया हूँ इतना मैं निकम्मा हूँ, लेकिन अभी मुझे केले लेके आने हैं, जाके पता करते हैं क्या हिसाब किताब है उनका, बड़ी महंगाई हुई है वैसे तो, देखते हैं। और वो लेके आएंगे, वो आके फिर उसकी शेक भी खुद बनानी पड़नी है सारे काम, और वो पकौड़े समोसे ईच एंड एवरीथिंग वो सारी खुद ही कैटर करनी करती है यहाँ पे। तो लेट्स गो, आपको दिखाते हैं क्या सीन चल रहा है। ₹250 दर्जन हम लोगों ने केले खरीद लिए हैं भाई, फुल्ली केले खरीद लिए हम लोगों ने। कितने के लिए? यहाँ सब कुछ खुद खरीदना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग जो है ना अभी वो खरीदने आए हैं पकौड़े और समोसे, वो मेरा रूममेट खड़ा हुआ है, वो लाइन में लगा हुआ है, तो यहाँ समोसे पकौड़े जो है ना हम लोग खुद खरीदे हैं, फिर सैरी और अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी सॉरी सैरी तो बाद में करेंगे। स्टिल टाइम आज जो है ना थोड़ा जल्दी मैं ले आया हूँ सारा सामान सामान केले शेले और मेरा बाकी रूममेट चीज़ें सारी लेने गया हुआ, वरना जो पहली अफ्तारी मैंने यहाँ पे की है ना वो तो बड़ी मुश्किल सीन हो गया था मेरे लिए, वो इस तरह से कि मैं अभी शेक बना रहा था और रोज़ा अफ्तार होने की आवाज़ आ गई, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑर्गेनाइज वे के अंदर मैं अफ्तारी कर लूँगा हॉस्टल के अंदर। तो फर्स्ट टाइम शायद हम लोगों ने अपना शेक निकाल लिया है, शेक वाला डब्बा पहले आप मेरे रूम की स्टैटिक वाइब चेक करें बाकी छोड़, हाँ ये कर लो पहले, हमने अपना निकाल लिया ये शेक वाला डब्बा और अभी हम भी बना लगे हैं शेक, और ये रहे मेरे केले और केले। भी कोई जुलम हुआ है मेरे साथ, जमा हुआ दूध दे दिया मेरी अम्मी ने मेरे साथ, रो रो के निकाला है उसमें से इतना, ओए तू तो सीधा हो, रो रो के निकाला है भाई, थैंक्स ब्रदर। तो
फाइनली जी ऑर्गेनाइज वे के अंदर हमारी इफ्तारी तकरीबन रेडी है, जो थोड़ा कम है क्योंकि वो दूध जमा हुआ था, बट स्टिल ओके। और ये पकौड़े शकोड़े भी आ गए हैं, और ये समोसे भी, और ये खजूरें भी हैं हमारे पास। तो तकरीबन एक प्रॉपर सहरी इफ्तारी, यार सहरी क्यों बोल रहा हूँ बार बार, रेडी है। चल भाई खोल दे रोजा, तुम्हें तो पहले ही खोलिया है, वेल डन। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द इफ्तारी। और ये था जी इफ्तारी का तरीका कार कि किस तरह से इफ्तारी एक्चुअली होती है हॉस्टल्स के अंदर, अरे इफ्तारी रोजा किस तरह से रखा जाता है हॉस्टल्स के अंदर। और मैंने आपको घर का भी सीन दिखा, आ जा भाई तू क्यों रुका हुआ है, आ जा। मैंने आपको घर का भी सीन दिखा दिया कि घर के अंदर जो है वो सारी इफ्तारी मेरी कैसी होती है और हॉस्टल के अंदर उसमें क्या डिफरेंस है। मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड। भाई यही तो है, एक मिनट रुक, हाँ अभी चेक करके बताओ। हाँ चेक कर, पक्का बड़ा जल्दी आ गए हैं, वही वाले चने हैं जी। हम अब सैरी करने आए हुए हैं, और यहाँ ये जो सैरी है ना, इसका ये सीन है कि भाई हमें हॉस्टल के बाहर करनी पड़ती है और हॉस्टल के अंदर कोई सैरी नहीं है। तो अभी और चीज़ें भी मंगवाई हैं हम लोगों ने, अंडे पराठे परूठे और साथ में चने चुने भी मंगवाए हैं, ठीक है। तो चने तो आ गए हैं और पराठे परूठे और अंडे उंडे भी आ जाएंगे। ये भी हमें कोई कॉस्ट कर जाती है पर डे का तकरीबन कोई 300-400, बट स्टिल गुड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम डन विद द सहरी, और ये सहरी नंबर 4 थी। और हम